ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 34। अभी तक आपने सुना हिडिंबा से भीमसेन का विवाह तथा घटोत्कच का जन्म। अब कथा आगे, आज की कथा होगी पांडवों का आर्त ब्राह्मण परिवार के यहाँ रुकना व कुंती के द्वारा उन पर दया करना। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर भिक्षावृत्ति से अपने जीवन निर्वाह करते थे। नगरवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुपति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गया। एक दिन की बात है, सब लोग तो भिक्षा के लिए गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। यह सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे, उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सके तो उरिन हो जाए। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुखों के कारण का पता लगाओ, मैं उसके लिए कठिन से कठिन काम भी करूंगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा हुआ है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक न एक दिन सभी मनुष्य को मरना ही पड़ता है। आप चिंता छोड़िए, पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों की न्योछावर करके भी पति की भलाई करे। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह पूरा हो चुका है। आपके और मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री है। आप उन बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा, अतः आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोक वासिनी हो जाए। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और हित। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे, इसलिए मुझे ही उसके पास जाने की आज्ञा दीजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपने छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्थ होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ देंगे, इसीलिए मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी। इससे मेरा लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की यह बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी रोए बिना रह न सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण शिशु एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। कुंती अवसर देखकर पास चली गई और बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का कारण क्या है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता, क्योंकि इस नगर के पास ही एक बक नामक राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न तथा दो भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है वह उसे भी खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना ही पड़ता है। जो उससे छूटने का यत्न करता है वह उसे सारे कुटुंब को खा जाता है। आज हमारी बाड़ी आ गई है, मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूं। वह दुष्ट सभी को खा जाएगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप न डरे न शोक करें, उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो सिर्फ एक ही पुत्र और एक पुत्री है, मेरे पास पांच पुत्र हैं। उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर
चला जाएगा। राक्षस मेरे बलवान मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक न जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। इसकी सूचना आप किसी को न देना, क्योंकि लोग यह विद्या जानने के लिए मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।